हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल रहमान। आज हम देखने वाले हैं इंटरलॉकिंग कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल। मेन एलईडी पैनल में इंटरलॉकिंग कनेक्शन किस तरह ऑपरेट होता है वो देखेंगे हम। आप ये वीडियो मैंने बाहर इसलिए चालू किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। हमारे पास तीन सोर्स है, दो जनरेटर है, एक ट्रांसफार्मर है। तो दिखा देता हूँ कैमरे से। ये हमारे पास दो जनरेटर के सोर्स है, ये जनरेटर है हमारे पास दो, और एक हमारे पास ट्रांसफार्मर है जो कि गवर्नमेंट एमएससीबी का पावर सप्लाई है, महाराष्ट्र बोर्ड का इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए मैं एमएससीबी बोल रहा हूँ। ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर का सोर्स है और दो जनरेटर है पीछे। तो ये दो जनरेटर के सोर्स है और एक ट्रांसफार्मर है, हमारे पास तीन सोर्स है। ये तीन सोर्स हमारे एक मेन एलईडी पैनल में जाएंगे। वो किस तरह इंटरलॉकिंग कनेक्शन ऑपरेट होता है वो देखेंगे हम आज, और किस तरह तीन सोर्स लेके एक सोर्स यूज़ करता है और सेकेंड नहीं यूज़ करता है वो देखेंगे, किस तरह पैनल ऑपरेट करता है वो देखते हैं आज। मैनुअल मोड में लाके देखेंगे हम आज। तो ये पंप रूम है, इसके बाजू में हमारा मेन एलईडी पैनल है, वो दिखाता हूँ। ये हमारा मेन एलईडी पैनल है जहाँ पे हमारे तीनों सोर्स के इनकमर आएंगे। यहाँ ट्रांसफार्मर का इनकमिंग आएगा, ये ट्रांसफार्मर इनकमर है। ये जनरेटर वन का डीजी वन इनकमर, जिसमें डीजी का वन इनकमर आएगा जो डीजी वन है। ये बस कपलर है, ये बस कपलर क्या काम करेगा वही बता देता हूँ। और ये डीजी टू है, डीजी टू का इनकमिंग ये इसमें आएगा। ये हमारा मेन पार्ट हो गया। बेसिकली हमारा जो पैनल है दो पार्ट में डिवाइड है। जैसे ये बस कपलर है, एक ट्रांसफार्मर हो गया, एक डीजी वन हो गया, एक बस कपलर हो गया और एक डीजी टू इनकमर हो गया, ठीक है। तो ये जो पैनल है हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। ये बस कपलर जो है ना, बस कपलर क्या करता है, हमारा दो पार्ट को कंबाइन कर देता है। जैसे अभी बस कपलर के इस साइड का पार्ट जो हो गया एक पार्ट हो गया, और बस कपलर के इस साइड वाला जो पार्ट है वो सेकेंड पार्ट है। अभी बस कपलर को ऑन करेंगे तो ये दोनों पार्ट को कंबाइन कर देगा, एक पैनल बना देगा। बस कपलर को ऑफ कर देंगे इसमें से तो उधर का ऑफ हो जाएगा, इधर का ऑन रहेगा। तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। अभी इंटरलॉकिंग कनेक्शन क्या होता है, जैसे कि अभी इसमें ट्रांसफार्मर का इनकमिंग आ रहा है, अगर मैं जनरेटर का ऑन करूंगा तो जनरेटर का आउटगोइंग में सप्लाई नहीं जाएगा, क्योंकि वो पूरा बस बार ट्रांसफार्मर से चार्ज है, ठीक है। और वही उसी तरह वो जनरेटर डीजी टू को भी ऑपरेट करेगा, अगर मैं डीजी टू ऑन करूंगा तो आउटगोइंग में सप्लाई नहीं जाएगा जब तक हमारा ट्रांसफार्मर जो ऑन है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ये स्विच दिया हुआ है जिसमें एक डीजी स्टार्ट का स्विच है और एक सिर्फ स्टार्ट का है। ये डीजी स्टार्ट से क्या होगा, हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, और ये स्टार्ट बटन से ये हमारा जो एमसीसीबी है वो ऑन हो जाएगा, ऊपर इंडिकेटर आ जाएगा, रेड इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो ये डीजी स्टार्ट कर देता हूँ मैं एक, ये हमारा डीजी स्टार्ट हो जाएगा, डीजी वन का कमांड दे दिया हूँ, ये जनरेटर स्टार्ट हो गया, ये इधर आ गया फेस। उसी तरह मैं जनरेटर टू भी स्टार्ट कर देता हूँ, ये डीजी टू का इनकमर है। तो ये डीजी टू स्टार्ट कर दिया मैंने, अभी इसमें भी सप्लाई आ जाएगा, ये आ गया। अभी हमारा तीनों सोर्स में सप्लाई आ गया है, इनकमिंग में आया है, लेकिन हमारा पैनल जो चार्ज है आउटगोइंग में वो सिर्फ ट्रांसफार्मर से चार्ज है, ठीक है। अभी मैं ट्रांसफार्मर चार्ज है, अभी मैं डीजी से आउटगोइंग देने की कोशिश करूंगा तो आउटगोइंग नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, कमांड नहीं लेगा उसका। तो मैं ये देता हूँ कमांड उसको, स्टार्ट बटन देखें, ये स्टार्ट दे रहा हूँ लेकिन वो एमसीसीबी ऑन नहीं हो रहा। उसी तरह डीजी टू में भी मैं कमांड दूंगा स्टार्ट के, तो भी उसका भी एमसीबी ऑन नहीं होगा, एमसीसीबी ये भी नहीं ऑन हो रहा, कमांड दे दिया मैं। अगर मैं ट्रांसफार्मर ऑफ करता हूँ और डीजी वन का कमांड देता हूँ तो देखते हैं वो ऑपरेट होता है कि नहीं होता। अभी मैं ट्रांसफार्मर ऑफ करूँगा और डीजी वन से कमांड दूंगा स्टार्ट होने के लिए एमसीसीबी, तो स्टार्ट हो जाएगा वो। अभी मैं ऑफ करूँगा तो लाइट ऑफ होगा, उसको लाइट ऑफ हो गया, अभी ट्रांसफार्मर का ऑफ हो गया। अभी मैं डीजी वन से कमांड दूंगा कि पैनल पूरा चार्ज हो जाए, तो अभी मैं कमांड दे रहा हूँ स्टार्ट का। ये हमारा डीजी वन से कमांड ले लिया, पूरा अपना पैनल चार्ज हो गया। अभी बस कपलर से मैं ऑफ करना चाहूंगा उस पार्ट को, बस कपलर से सेकेंड पार्ट ऑफ करूंगा तो वो ऑफ हो जाएगा, उधर पार्ट आउटगोइंग बंद हो जाएगा। तो आउटगोइंग के जो सिग्नल है अभी तो ऑफ ही है, ऑटो में ऑफ हो गया वो, अभी मैं ऑन करूंगा इसको। अभी आउटगोइंग में सप्लाई नहीं जा रहा क्योंकि बस कपलर ऑफ है, बस कपलर ऑन हो गया, हमारा आउटगोइंग में सप्लाई चला गया, मतलब एक पैनल कंबाइन हो गया। अभी हमारा जनरेटर वन से पूरे पैनल में सप्लाई जा रहा है। अभी बस कपलर ऑफ कर दूंगा तो सेकंड पार्ट में सप्लाई नहीं जाएगा, बस कपलर ऑफ कर दिया सेकंड पार्ट। अगर मेरे को सेकंड पार्ट में सप्लाई चाहिए, जनरेटर वन से नहीं चाहिए, जनरेटर टू से चाहिए, तो अभी मैं जनरेटर टू को कमांड दूंगा ताकि इधर का आउटगोइंग ऑन हो जाए। कमांड दे दिया, इधर का आउटगोइंग का जो भी इंडिकेटर है ऑन हो गया,
ठीक है, अगर मेरे को अभी जनरेटर वन इधर ऑन है, जनरेटर टू का सप्लाई इधर ऑन है, अगर मैं बस कपलर ऑन करना चाहूँ तो बस कपलर ऑन नहीं होगा, ये इंटरलॉकिंग का फंक्शन है। ये देखिए अभी मैं बस कपलर ऑन कर रहा हूँ, ये नहीं ऑपरेट हो रहा। अगर मैं जनरेटर टू ऑफ करूंगा और बस कपलर ऑन करूंगा तब आउटगोइंग चला जाएगा, जनरेटर टू ऑफ कर देता हूँ, ये एमसीसी भी ऑफ हो गया। अभी ये मैं जनरेटर वन से उस साइड आउटगोइंग दे रहा हूँ सेकेंड पार्ट में, आउटगोइंग चला गया। अगर मैं अभी मेरा जनरेटर वन भी ऑन है, जनरेटर टू भी ऑन है, अगर मैं ट्रांसफॉर्मर से सप्लाई देता हूँ तो ट्रांसफॉर्मर का कमांड एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। देख लेते एक बार, ये देखिए इस कमांड दे रहा हूँ मैं ट्रांसफॉर्मर का ऑन होने के लिए, लेकिन उसका एमसीसी भी ऑपरेट नहीं हो रहा। अगर मैं जनरेटर वन को ऑफ करूंगा और बस कपलर ऑफ कर दूंगा तब वो ट्रांसफॉर्मर का कमांड लेगा, वो भी देख लेते पॉसिबिलिटी। ये हमारा जनरेटर वन ऑफ हो गया, बस कपलर भी ऑफ हो गया। ठीक है, अभी मैं ट्रांसफॉर्मर ऑन करता हूँ और देखते हैं सप्लाई जाता है कि नहीं। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर वन ऑन हो गया, सप्लाई चला गया, बस कपलर अभी ऑफ है। और जनरेटर, अगर बस कपलर ऑफ है, अगर हम जनरेटर टू ऑन करना चाहें तो ऑन होगा, अगर बस कपलर ऑन करके जनरेटर टू ऑन करना चाहें तो नहीं होगा, वो भी देख लेते हैं। जनरेटर टू ऑन हो गया, अभी बस कपलर ऑपरेट नहीं होगा, नहीं हो रहा क्योंकि हमारा बस बार इधर भी चार्ज है उधर भी चार्ज है। अगर हम इसको ऑफ करेंगे और बस कपलर को ऑन करके इधर सप्लाई देंगे इसको चार्ज करने के लिए सेकेंड पार्ट को, तो वो ऑन हो जाएगा। ये ऑफ कर दिया, अभी सेकेंड बस कपलर को ऑन करके सेकेंड पार्ट में आउटगोइंग देखेंगे वो आ जाएगा। बेसिकली इंटरलॉकिंग का फंक्शन यही होता है कि अगर हमारा एक सोर्स से अगर बस बार में आउटगोइंग में सप्लाई जा रहा है तो दूसरा सोर्स एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, क्योंकि उससे स्पार्क हो सकता है, ट्रिप हो सकता है, हैजर्डस, वेरी हैजर्डस है। ठीक है, और यही सब फंक्शन है। और ये मैंने आपको मैनुअल मोड में डाल के समझाया हूँ अभी, क्योंकि ऑटो मोड में अभी डालेंगे तो ऑटो में जब भी ऑटोमेटिक पावर जाएगा तभी वो सेंस करेगा, इसलिए इसमें मैनुअल मोड में डाले। इसके अंदर पीएलसी लगा हुआ है, वो भी दिखा दूंगा। और ये हमारा एमीटर है, इसमें करेंट शो करता है। ये हमारा वोल्ट मीटर है, इसमें वोल्टेज शो करेगा। ये फेस टू फेस वोल्टेज दिखा रहा है, अभी सिंगल फेस भी चेक कर सकते हैं। ये R2B, ये सिंगल फेस वोल्टेज दिखा रहा है, ये आर फेस का, वाई फेस का, ये ब्लू फेस का। तो यही है फंक्शन। और ये इसमें हम पावर फैक्टर भी चेक कर सकते हैं। इसमें कैपेसिटर पैनल, ये हमारे पास कैपेसिटर पैनल है 125 kVAr का, हमारा कैपेसिटर पैनल है, इससे हम पावर फैक्टर इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी आपको इंप्रूव करके दिखा देंगे। ये पैनल ऑन कर दिया मैंने, अभी पावर फैक्टर चेक करते हैं कितना पावर फैक्टर है। ये देखिए अभी पावर फैक्टर है 0.973। अभी मैं 10 kVAr ऑन करूँगा, ये हमारा 10 kVAr है, इसे मैं ऑन करता हूँ तो अभी देखते हैं पावर फैक्टर कितना है। जीरो पॉइंट ट्रिपल नाइन हो गया, पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया। तो अभी ये हमने मैनुअल मोड में रखे पैनल, अगर ऑटोमेट में रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा, ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा वो सभी चीज़ को। ठीक है, और पीएलसी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये हमारे पैनल के अंदर सीमेंस का पीएलसी लगा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये रिलेस है, और ये एमसीबी है, ये सेलेक्टर स्विच है, ये सेलेक्टर स्विच है, ये सीमेंस का पीएलसी है। ओके, बाय, थैंक यू।